अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अब हमने नेक्स्ट जो लेक्चर चैप्टर 2 का स्टडी करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डिस्कस किया था, आज हम देखेंगे कि वाटर की लिविंग सिस्टम्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो पानी को हम कहते हैं कि वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का कोई भी जो काम है वो पानी के बगैर नामुमकिन है। लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आपके लिविंग सिस्टम का 65 से 89% जो है, 65 से 89% ये पानी पर मुश्तमिल होता है। तो अगर आप देखें बोन्स जो बज़ाहिर हमें बिल्कुल खुश्क नज़र आती हैं, इनके अंदर भी 20% तक पानी मौजूद होता है। इसी तरह ब्रेन सेल्स के अंदर हम देखें तो उनके अंदर 85% तक जो है वो पानी मौजूद होता है। तो पानी के अंदर जो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको इतना इम्पॉर्टेंट बनाती हैं कि ये हमारे हर बॉडी सेल के अंदर अच्छी खासी अमाउंट के अंदर मौजूद है। तो पानी के अंदर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। तो पानी के बारे में कहा जाता है कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि दुनिया की हर चीज़ तकरीबन इसके अंदर हल हो जाती है। मुकम्मल नहीं तो कुछ ना कुछ पोर्शन उसका ज़रूर हल हो जाता है। तो पानी के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है? तो पानी जो है, अगर आप उसके अंदर आयोनिक कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं तो उसको क्या करेगा, वो आयन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उसको डिसॉल्व होने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आप पानी के अंदर कुछ नॉन आयोनिक कंपाउंड्स भी डाल देते हैं तो आपके उन नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर भी कुछ चार्ज्ड ग्रुप ज़रूर मौजूद होते हैं और वो भी पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ पोर्शन उसका भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो पानी है, जो वाटर है, ये आपके लिविंग सिस्टम, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट का, एक एक्सीलेंट मीडियम का काम करता है। इसके अलावा हमारे लिविंग सिस्टम के जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम हैं, ये भी एक एक्वस मीडियम के अंदर ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो पानी की मौजूदगी इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फैट्स जो हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए हमारे जो स्ट्रक्चरल बहुत सारे पोर्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ साथ बहुत सारे फैट्स भी मौजूद हैं जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो किस तरह आयंस के अंदर कन्वर्ट होके पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखें कि पानी की इंपॉर्टेंस के हवाले से जो सेकंड बात है वो है हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री, यानी कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर उसका 15 टेम्परेचर था तो 16 करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट हमने 1 रखी हुई है। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन पानी के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो वो उस हीट को अब्सॉर्ब करता है? तो पानी इस हीट को इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की इस ब्रेकेज की वजह से पानी थोड़ा बहुत आयोनाइज भी हो जाता है, यानी कि H2O में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है पानी को मुकम्मल तौर पर आयोनाइज करने के लिए। तो ये जो आपके पानी की इस हैबिट की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से पानी एक एक्सीलेंट टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर यूज़ होता है। इसके बाद दूसरी बात आती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज अब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वाटर वेपोराइज्ड। इट मीन्स टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम स्टीम करने के 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन का आप नाम देंगे।
अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो पानी की है वो मेजर्ड है ऑलरेडी 574 किलो कैलोरी पर केजी है, यानी कि 1 किलोग्राम पानी को आपने स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 574 किलो कैलोरी आपको जो एनर्जी है, जो कैलोरीज हैं आपको वो इसमें रिक्वायर्ड होंगी। अब पानी जो है वो ऑर्गेनिज्म को कूल रहने में मदद देता है। आप खुद देखें कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं आपको पसीना आता है, तो पसीना किस लिए आता है? ताकि आपकी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा हो। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि अगर आपके पास 1000 ml यानी कि 1 लीटर पानी हो, तो उसमें से अगर 2 ml पानी को वेपोराइज कर दिया जाए तो आपके उस बाकी जो 998 ml पानी बच जाता है उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो जाता है, और ये टेम्परेचर के अंदर अच्छा खासा चेंज समझा जाता है। इसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी जो है उसके अंदर पानी थोड़ा बहुत स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं होता। 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 मॉलिक्यूल होगा जो आयोनाइज्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा, और ये एच और ओ एच दोनों फॉर्म में मौजूद होता है। ये एच और ओ एच करते क्या हैं? ये आपके जो केमिकल रिएक्शन हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपके जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो अगर पानी आपका थोड़ा सा आयोनिक फॉर्म में हो तो वो आपके जो रिएक्शंस हैं वो कैटलाइज हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी प्रोटेक्शन। पानी आपकी बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन है और एब्रेसिव सर्फेसिस जो हैं उनको डैमेज से बचाता है। मसलन आपकी जो आँखें होती हैं, आपकी आईलेट्स बार बार ऊपर नीचे हो रही हैं, अगर आपकी ये अंदर मॉइस्चर मौजूद नहीं होगा तो आपकी जो आंखें हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा आपका जो दिल है वो धड़क रहा है तो उसके अंदर भी जो दिल के सराउंडिंग में जो उसकी कवरिंग बाहर मौजूद होती है और दिल के दरमियान में लिक्विड मौजूद होता है, इसी तरह आपके फेफड़ों के दरमियान जो कवरिंग है और फेफड़ों के दरमियान भी लिक्विड मौजूद होता है क्योंकि वो भी फैलते और सिकुड़ते हैं, तो आपके जो फेफड़े हैं वो फ्रिक्शन वाले डैमेज से बच सकते हैं। इसके बाद पानी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन, यानी कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है। तो सिर्फ पानी मूव नहीं करता, इसके अंदर जितने भी जो चीज़ आप डिजॉल्व करेंगे या जो चीज़ भी इसके अंदर मौजूद होगी वो भी आपके उस पूरे मीडियम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद पानी जो है इट ऑर्गेनाइजेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप पानी के अंदर एक पानी का ग्लास या एक कटोरा ले लें, उसके अंदर आप ऑयल डाल दें, कुकिंग ऑयल डाल दें या कोई भी ऑयल डाल दें, आप देखेंगे कि पानी के अंदर वो मिक्स नहीं होगा कभी भी, वो उसके सरफेस के ऊपर साइड पर या दरमियान में अलग से हो जाएगा। तो पानी करता क्या है? पानी जो है ये एक पोलर सब्सटेंस है, तो आपके ये जो फैट्स होते हैं, ये जो ऑयल्स होते हैं, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर कभी भी इकट्ठे नहीं रहते, तो इन सब्सटेंसेस को आप कह सकते हैं जो फैट्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो जब आपको इनको पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर जो के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके और स्ट्रांग हो जाएंगे, और पानी क्या करेगा, जो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग आपके इन ऑयल्स के अंदर मौजूद है उसको और स्ट्रांग करवाएगा। तो आपके जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो यानी कि ये ऑयल वगैरह ये अलग हो जाएंगे और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये भी एक पानी के अंदर प्रॉपर्टी होती है। आज तक के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।